वेलकम टू माय चैनल और मैं जानती हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि मैं आज इतनी खुश क्यों। एज ऑफ टुडे जब आपने मेरे वीडियो पे क्लिक किया होगा तो वहाँ पे आपने एक छोटा सा ऐड देखा होगा। उस ऐड का आने का मतलब ये है कि खुशखबरी है, आपकी स्नेहा शाइन स्नेहा का चैनल मोनेटाइज हो गया। सो फाइनली आई कैन अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, आई कैन सी यूट्यूब एज मोर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी जर्नी यूट्यूब पे कैसी थी एंड व्हाट इज़ द बेंचमार्क जिसे कंप्लीट करके हम यूट्यूब से पैसे अर्न कर सकते हैं और यहाँ तक मैं कैसे आई, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। किसी को 4 मंथ लगते हैं इस बेंचमार्क को कंप्लीट करने में, किसी को 6 मंथ, किसी को 1 ईयर लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ और शेयर करूं, आई वांट टू थैंक माय ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंची हूं। आई वांट टू थैंक माय फैमिली, माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे आइडियाज़ और थॉट को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। सच्ची बताऊँ फ्रेंड्स, तो यूट्यूब एक ऐसी जॉब है ना जहाँ पर अप्रिशिएशन और मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं और जब वही लोग हमारे उस कंटेंट को, हमारे थॉट को, हमारे आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं ना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिविटी मिलती है और कुछ और अच्छा करने की इच्छा होती है। अच्छा, मेरा ऐसा सोचना है ना कि ज़िंदगी में कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, एंड दिस थॉट वॉज ऑलवेज सपोर्टेड बाई माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं ना और आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, तो YouTube इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने स्किल्स को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड आई थिंक YouTube इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। फ्रेंड्स, मेरा सपना है ना कि मैं अच्छे वीडियोज़ क्रिएट करूँ, अच्छे कंटेंट क्रिएट करूँ। माई ड्रीम इज़ टू गिव लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। मेरा सपना है कि मैं अपने स्किल्स लोगों तक पहुँचाऊँ, जिन चीज़ों को लेके मैं पैशनेट हूँ, जिससे मैं सीखना चाहती हूँ, मैं लोगों से वो चीज़ें सीख सकूँ। तो YouTube एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, मैं आपके साथ एक बहुत ही सच्ची और अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप YouTube को एज अ करियर देखते हैं, एज अ प्रोफेशन देखते हैं, तो एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो है अ लॉट ऑफ पेशेंस। नॉट अ पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, हम अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम अच्छे थॉट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा वीडियो कितना वॉच होगा, कितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, अगर आप YouTube को अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड नंबर 2, आपको 4000 वॉच आवर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो 4000 पब्लिक वॉच आ रहा है, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम जिसे कंप्लीट करने में आपको बहुत सारी मेहनत लगती है। इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए मुझे लगे थे 45 वीडियोस बनाने के बाद मेरा ये वॉच आवर्स कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, 4000 वॉच आवर्स होते हैं, 4000 व्यूज़ नहीं होते हैं। वॉच आवर अलग चीज़ होती है, व्यूज़ अलग चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है, वो 4000 व्यूज़ समझते हैं, लेकिन 4000 व्यूज़ तो करना तब भी ईजी है, बट 4000 वॉच आवर बहुत बड़ा टाइम होता है जिसे अचीव करने में काफ़ी मेहनत लग जाती है। फ्रेंड्स, व्यूज़ और वॉच टाइम कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है। व्यूज़ मतलब होता है कि कितने सारे लोगों ने आपके वीडियो को वॉच किया है, और वॉच टाइम का मतलब होता है कि कितने सारे लोगों ने आपके चैनल पर आपके वीडियो को कितने टाइम के लिए देखा है। तो ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। इन केस अगर मैं आपके चैनल पे आती हूँ और आपके वीडियो को वॉच करती हूँ, तो जो व्यू काउंट होगा वो एक ही होगा, लेकिन आपके चैनल पे मैंने आपके जो वीडियोस देखे हैं वो कितने टाइम के लिए देखे। इन केस अगर मैंने आपके वीडियो को 5 मिनट के लिए देखा है, तो उस 5 मिनट से घंटे कैलकुलेट होते हैं और उससे हमारा वॉच टाइम बनता है। जैसे ही आपकी ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, और YouTube आपको मेल के थ्रू भी इन्फॉर्म करेगा कि नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन प्रोसेस। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अपने एडसेंस अकाउंट को लिंक कर देना है YouTube से। एंड यू नो व्हाट, मेरा जो चैनल है ना, वो एक दिन में मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइजेशन के स्टेप पे भी चीज़ें टाइम लेती हैं, समटाइम्स 2 वीक लगता है या 1 मंथ लगता है, लेकिन मेरा चैनल विद इन 24 आवर्स मोनेटाइज हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि YouTube पे पैसे बनते कैसे। YouTube पे पैसे बनते हैं एडवर्टाइजिंग से। YouTube पे बहुत तरह के एड्स चलते हैं। एक होता है आपका बैनर एड। जब आप वीडियो प्ले करते हैं, तो नीचे में रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको कुछ वीडियोस प्ले होते हुए दिखाई देंगे, वो आपके होते हैं डिस्प्ले एड।
इसके बाद आपका आता है स्किपेबल ऐड, जो मैं यूज करती हूँ अपने वीडियोस पे, ताकि आप 3 से 4 सेकंड के बाद वीडियो को स्किप कर दें और मेरे वीडियो को फटाफट वॉच कर लें। इसके बाद आपका होता है नॉन स्किपेबल ऐड, जो आपके वीडियो के पहले प्ले होता है, जिसे आपको पूरा वॉच करना होता है, उसके बाद ही आप वीडियो को देख सकते हैं। एक होता है आपका डिस्प्ले एड्स, जो आपके वीडियो के कॉर्नर में प्ले होता है और फ्लैश करता है। तो ये सारे जो एड्स होते हैं ना, इसके रेट डिफरेंट होते हैं, इसकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है, और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस कंट्री में आपका वीडियो चल रहा है। हर कंट्री का जो एडवर्टाइजिंग रेट होता है, ये काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो, ये थी मेरी जर्नी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।